तो अगर आप भी वीडियो एडिटिंग करते हैं और आपको बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम आ रही है, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है वीडियो एडिटिंग करने में, आपको 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं या फिर उससे भी ज्यादा आपको टाइम लग रहा है पर वीडियो को एडिट करने में, और वीडियो की लेंथ भी बहुत ज्यादा कम होती है, उसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो आप जो है इन कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से जो है बहुत जल्दी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और आपका बहुत ज्यादा टाइम इसमें सेव हो जाने वाला है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ही 5-6 घंटे की वीडियो 1 घंटे में कर देंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाने वाला है इस तरीके से। तो यही जो टिप है जो आपको वर्क करने वाली है। आप बहुत सारे टिप्स सुनेंगे लोगों की, लोग बोल रहे हैं कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, इससे आपको जो हेल्प मिलने वाली है, लेकिन ट्रस्ट मी यही चीज़ आपको हेल्प करने वाली है। तो हम देखने वाले हैं कुछ इस तरीके के शॉर्टकट जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो एडिटिंग में और जो मुझे वो जो हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे मैंने अपने जो कीबोर्ड शॉर्टकट सेट कर रखे हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। तो मैं आ गया हूँ प्रीमियर प्रो के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक वीडियो रख ली है अपनी, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि मैंने जो शॉर्टकट लगाया है उसका यूज़ किया है। तो जब भी आप यहाँ पर जो है आपको कट लगाना हो तो आपको रेजर टूल लेना पड़ता है। यहाँ से इस तरीके से आपको आना है रेजर टूल के ऊपर, फिर आप यहाँ पर कट लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर आपको वापस सिलेक्शन टूल लेना पड़ता है इसको आगे पीछे करने के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो शॉर्टकट लगा रखा है, मैं सिंपली आता हूँ और कहीं पर भी मैं बी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कट लग जाता है इस तरीके से। और इसके अलावा मैंने जो है यहाँ पर एक शॉर्टकट लगा रखा है कि जब भी मैं अगर मेरे को इससे आगे का कट करना है तो पहले आप जो यहाँ पर कट लगाइए फिर इसको डिलीट करिए, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो कीबोर्ड शॉर्टकट सेट कर रखा है एम से आगे की वीडियो आगे कट जाती है। कंट्रोल जेड किया है मैंने, फिर से कंट्रोल जेड से आप अंडू कर सकते हैं और जब आप एन दबाएंगे तो पीछे का पार्ट कट जाएगा। ये मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लगा रखे हैं। आपके अगर इसमें अगर आपने अभी तक सेट नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्यू और डब्ल्यू होंगे। क्यू से आपका जो है आगे का पार्ट कट रहा होगा और डब्ल्यू से पीछे का पार्ट कट रहा होगा, तो ये आपके इसमें लगे होंगे। तो आप अगर इस तरीके से सेट करते हैं तो आपको चलाने में आसानी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर बी एन एम पास पास में लगा रखे हैं तो मेरे को पता रहता है कि बी से यहाँ कट लग रहा है, एन से पीछे कटेगा और एम से आगे कटेगा, मेरे को पता रहता है, तो मुझे कट लगाने में आसानी होती है। तो आप भी ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको आ जाना है एडिट वाले ऑप्शन पर। एडिट पर आने के बाद आपको जाना है कीबोर्ड शॉर्टकट के ऊपर और यहाँ पर आप कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है, यहाँ पर लिखना है आपको एडिट का मतलब होता है कट लगाना, वही आपका रिजल्ट टूल होता है। एडिट पर आप मैंने शॉर्टकट यहाँ पर लगा दिया है बी। आप भी यहाँ पर आपका जो दूसरा शॉर्टकट है उसको हटाकर बी लगा दीजिए इस तरीके से, तो आपको आसानी होगी करने में। और ऑल एडिट ट्रैक्स पर मैंने कंट्रोल भी रखा है, मतलब कंट्रोल भी, मतलब जब भी मैं कंट्रोल भी दबाऊंगा सारे जो आपके जो टाइमलाइन के ऊपर ट्रैक्स हैं वो एक साथ कट जाएंगे, एक साथ उनका कट लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल भी लगा रखा है। तो आप भी ये शॉर्टकट लगा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है ये वाला रिपील ट्रिम नेक्स्ट एडिट टू प्ले हेड। इस पर एम लगाएंगे, इससे आप जब भी एम दबाएंगे आपकी वीडियो के आगे का जो पार्ट है वो कट जाएगा। और रिपल ट्रिम प्रीवियस एडिट टू प्ले हेड, इससे आप एन लगाएंगे तो पीछे का पार्ट कट जाएगा। बाय डिफॉल्ट इस पर अभी जो है आपका क्यू और डब्ल्यू होगा यहाँ पर, तो लेकिन आप ये शॉर्टकट डाल लीजिए ताकि आपको सिंपली फटाफट आपका कट लग जाए, पास पास में रहेंगे सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप सेट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ पहले शॉर्टकट मैंने क्या क्या शॉर्टकट लगा रखे हैं ताकि यहाँ सब समझ जाएं। उसके बाद मैं आपको वहाँ पर अप्लाई करके बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आगे, जिसमें काफ़ी शॉर्टकट तो इसमें लगे हुए हैं, आप वो भी देख लीजिए। जैसे टाइप टूल आपके लिए, आप जो टी दबाएंगे तो आपका टाइप टूल आ जाएगा, जेड दबाएंगे तो आपका जूम टूल आ जाएगा, हैंड टूल के लिए एच, ये आप एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। ये सब सिंपल ही है क्योंकि इनके नाम से ही चालू हो रहा है। पेन टूल के लिए पी, हैंड टूल के लिए एच, जूम टूल के लिए जेड, टाइप टूल के लिए टी, सब सिंपल ही समझ जाएंगे यहाँ से। अब मैं आपको और चीज़ें दिखाने वाला हूँ, जैसे कि इसी वर्क स्पेस के अंदर आपको इफेक्ट वाला विंडो ओपन करना है, दूसरा इफेक्ट सेंटर वाला विंडो ओपन करना है, डिफरेंट आपको विंडो ओपन करना है और आपका जो मॉनिटर जो है वो छोटा है तो ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपका बड़ा मॉनिटर भी है फिर भी आपके लिए ट्रिक हेल्पफुल होने वाली है। तब ये करना है आपको, आना है इसके अंदर, आपको सर्च करना है इफेक्ट्स और यहाँ पर देखिए मैंने विंडो के अंदर इफेक्ट्स के अंदर मैंने टू की शॉर्टकट लगा रखा है। जब मैं टू दबाता हूँ तो अपने आप मेरा इफेक्ट पैनल जो है ओपन हो जाता है। इस तरीके से मैंने डिफरेंट पैनल के डिफरेंट चीज़ें कर रखी है, जैसे कि इफेक्ट कंट्रोल के लिए एक दबा रखा है मैंने और थ्री मैंने लगा रखा है अपने ग्राफिक्स पैनल के लिए। डिफरेंट पैनल के लिए मैंने डिफरेंट यहाँ पर जो की सेट कर दी है। जैसे मैं उस की को दबाता हूँ वो वाला पैनल ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये मैंने कुछ शॉर्टकट लगा रखे हैं और साथ ही में आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्या क्या शॉर्टकट लगा रखे हैं, वो भी आप यहाँ पर की एड मार्कर एड करने के लिए मैंने क्यू लगा रखा है, टाइमलाइन में स्नैप के लिए मैंने डब्ल्यू लगा रखा है, इसलिए मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हमें लगा रखी है, आप वो भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन खास खास चीज़ें मैंने आपको बता दी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बाकी तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसके साथ साथ मिलने वाली इसी के अंदर ही, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या सेट कर रखा है। तो जैसे मैं यहाँ पर वन क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये इफेक्ट कंट्रोल के ऊपर चला गया है, क्योंकि ये यहाँ पर इसके अंदर ओपन है भी, अगर ये ओपन नहीं होता तो अपने आप इसके अंदर ओपन हो जाता है। जैसे अगर मैं अभी के लिए इसको यहाँ पर क्लोज कर दूँ इस तरीके से, और अगर अब मैं यहाँ पर वन दबाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली इफेक्ट कंट्रोल यहाँ पर ओपन हो गया है। तो इस तरीके से अपने आप ओपन हो जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है अगर आपका मॉनिटर छोटा है तो। सेकंड नंबर पर मैंने यहाँ पर इफेक्ट्स लगा रखा है तो इफेक्ट्स ओपन हो गया यहाँ पर। थर्ड नंबर पर मैंने यहाँ पर जो है लुमेट्री कलर लगा रखा है तो लुमेट्री कलर साइड में ओपन हो गया यहाँ पर जैसे मैंने दबाया। फोर्थ पर मैंने लगा रखा है लुमेट्री स्कोप, तो ये लुमेट्री स्कोप यहाँ पर ओपन हो गया है फोर मैंने क्लिक किया तो। फाइव पर मैंने लगा रखा है एसेंशियल ग्राफिक्स, तो एसेंशियल ग्राफिक्स यहाँ पर ओपन हो गया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेट कर रखे हैं।
और यहाँ पर जैसे मेरे को किसी भी विंडो को क्लोज करना है तो मैं यहाँ पर सिंपली सी दबाता हूँ तो वो विंडो क्लोज हो जाती है। तो मैंने क्लोज के लिए सी दबा लगा रखा है तो यहाँ पर फटाफट क्लोज हो जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप फास्ट काम कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं, आप इस तरीके से अपने जो है सारे कीबोर्ड शॉर्टकट लगा लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। सेकंड चीज़ है, आप जो है अपना मोबाइल थोड़ा सा आपसे दूर रखिए। अगर अपना मोबाइल आप बार बार पास में रखते हैं तो इसमें नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तब मोबाइल को साइलेंट पर रखिए या फिर आपसे दूर रखिए थोड़ा सा। तो ये एक सेकेंड मेथड है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगी। तो आप इन दोनों मेथड को यूज़ करिए, आपकी एडिटिंग 10x फास्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाली इस तरह की वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।